मस्तक लो कीजे वरण सब अंग वस्त्र भूखण शोभा जाने आत्म की लगान शोभा जाने आत्म की लगान यो स्वरूप दो चित में लीजे। अब अक्षरती धाम के दिन महामती जी के धाम निर्देश से वर्णन करवा रहे हैं हमें चितवनी कैसे करनी है। सुंदर साथ, जो समाज में चितवनी की प्रक्रिया प्रचलित है, अलग अलग परमहंसों ने अलग अलग तरीके से ऐसा लगता है कि बताया है, लेकिन सच्चाई ये होती है हमें वाणी की कसौटी से उसको कसना होगा। पहले अंगुरी नख चरण मस्तक लो कीजिए वर्णन, बस्तर भूखन शोभा जाने आत्मा की लगन। प्रश्न ये है कि नख से सिक्तक राज्य की शोभा का वर्णन करने के लिए इसमें क्यों कहा गया है। पहले अंगुरी नख चरण मस्तक लो कीजिए वर्णन, वर्णन तो मुख से होता है, तो क्या चितनी में हमें बोलना है? ऐसा नहीं है। ये उस अवस्था की बात है जब हम प्रारंभ में शरीर को स्थिर करते हैं। राज्य की शोभा का बाह्य ज्ञान हमें होता है क्योंकि हमने वाणी पढ़ी होती है। राज्य के किस किस अंग में कौन सा आभूषण आया है, कैसा उनका अंग है, सागर श्रृंगार में विस्तार रूप से लिखा हुआ है। इसके पश्चात जो हमने पढ़ा हुआ होता है वो हमारे मन में आने लगता है। जैसे राज्य के गले में 4 हार हैं या 5 हार हैं, 8 उंगलियों में हाथों की क्या है, चरणों में क्या है, सिर पर कैसा श्रृंगार है, बाल कैसे आए हैं, ये सारे हमारे मस्तिष्क में घूमने लगते हैं। इसलिए इसको कहते हैं फेर फेर कीजिए वर्णन, क्योंकि इसके पहले हमारा मन और मस्तिष्क कहीं ना कहीं घूम रहा होता है। चर्चनी मस्तिष्क की है यानी दिमाग की है, और चितवनी दिल की है। चितवनी दिल से होगी और चर्चनी दिमाग से होगी। आप सोचेंगे कि मस्तिष्क और बुद्धि में क्या अंतर है। मस्तिष्क बुद्धि की कार्यशाला है। बुद्धि एक सूक्ष्म पदार्थ है, मस्तिष्क कुछ अलग है। जब हमारे ऊपर रजोगुण तमोगुण का आवरण हट जाता है तो बुद्धि की सक्रियता बढ़ जाती है। किसी का मस्तिष्क छोटा होता है, किसी का मस्तिष्क बड़ा होता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारे अंतः के विकार कितने दूर हुए हैं और हमारी बुद्धि की क्रियाशीलता कितनी बढ़ी है। इसलिए नख से सिक तक राज्य सामाजिक का जो श्रृंगार है हमारे मस्तिष्क में, मन में, चित्त में, बुद्धि में भ्रमण करता रहे, इसको कहते हैं मस्तक लोक कीजिए वर्णन। यानी एक भावना बसा लीजिए कि राजीव श्यामा जी का ऐसा श्रृंगार है, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा। कल को कोई ये भी वर्णन कर सकता है कि हमने राजीव को कोट में और टाई पहने हुए देखा, क्या करेंगे। इसलिए महामती जी ने जैसा देखा है वैसा वर्णन कर दिया गया है ताकि एक मर्यादा बनी रहे, कोई इस मर्यादा का उल्लंघन न करे। इसलिए वाणी को एक आधार मानना पड़ेगा। यदि आधार नहीं मानेंगे तो नई नई कल्पनाओं में सुंदर साथ भटक जाएंगे। यही बात कही जा रही है, यो दो स्वरूप चित्त में लीजिए। इस प्रकार राज्य और श्यामा जी को अपने चित्त में बसाना है। आप देखेंगे बार बार वर्णन करने में किसका योग है, मन का, चित्त का और बुद्धि का। आपके अंदर अहम किसका आ गया, मैं परमधाम की अन्ना हूं। कल प्रसंग चला था, ये नेत्रों नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद घन, तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। इस प्रकार हमें दोनों स्वरूपों को चित्त में लेना है। चित्त में लेने का तात्पर्य हमारे चित्त में अब तक संसार बसा हुआ था। जैसे
इस जन्म में हमने शराब नहीं पी, पूर्व जन्म में पी है, तो इस जन्म में दूसरे को शराब पीते हुए देखकर हमारे मन में आसक्ति का भाव आ जाता है, क्योंकि हमने पूर्व जन्म में शराब पी है। दूसरे के मांस को खाते हुए देखकर लगता है कि इसका स्वाद कैसा होगा, भले ही हम न खाएं कुछ आसक्ति आ रही है। इसका तात्पर्य हमारे चित्त में वैसा संस्कार है, जैसे गाय के अंदर घास खाने का ही संस्कार है और ये संस्कार उसका पैतृक है, वंशानुगत है। सिंह के अंदर भले ही उसका जीव पूर्व जन्मों में बैल रहा हो, शाकाहारी प्राणी रहा हो, लेकिन जब वो जीव सिंह की योनि में बाघ की योनि में जन्म लेता है तो उसके चित्त में पैतृक संस्कार आ जाता है कि तुझे मांस खाना है। संभव है यदि उसको जन्म लेते ही केवल दूध पिला दिया जाए तो उसमें मांस खाने का संस्कार पैदा ही नहीं होगा, और उसके सामने मांस रख भी दिया जाए तो मांस नहीं खा सकेगा। अब कहा जा रहा है कि यो दो स्वरूप चित्त में लीजिए, अब तक हमारे चित्त में संसार बसा हुआ है। जैसे चित्त में संस्कार बसे होते हैं संसार के, उन सारे संस्कारों को हटाकर किधर करना है, राज्य श्यामा जी के श्रृंगार में। इसलिए कहा गया है पहले अंगुरी नख चरण मस्तक लो कीजिए वर्णन। अपनी बुद्धि को थोड़ी देर के लिए दौड़ लगा दीजिए राज्य के श्रृंगार की तरफ, और बार बार अब दोनों स्वरूपों को चित्त में बसाना है, उनकी शोभा को। चित्त किसकी तरफ आकर्षित होता है, सौंदर्य की तरफ। राज्य का नख से सिख तक का श्रृंगार अनंत है, उनके सौंदर्य की किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। अरबों सूर्यों का प्रकाश है तो खरबों चंद्रमा की शीतलता है, और असंख्य फूलों की सुगंध है उस श्रृंगार में। ऐसे स्वरूप के लिए दुनिया में कोई उपमा हो ही नहीं सकती जिससे बताएं कि राज्य का मुखारविंद ऐसा सुंदर है। लेकिन जैसा भाव आ रहा है, जो आपने वाणी में पढ़ा है, या आपका मन जितनी कल्पना कर सकता है, जितनी सुंदर स्वरूप की, आपके चित्त में जितना उस स्वरूप को बसाने की सामर्थ्य हो उसको दिल में बसाइए। यही कहते हैं यो दो स्वरूप चित्त में लीजिए। अंग वार डाल के दीजिए, करें अंग वार डार के दीजिए, अपने अंगों को वार डार दीजिए। वारना का तात्पर्य है निछावर कर देना, अपना दिल दे दीजिए। इसका भाव क्या है, जैसे आप अक्षरातीत के अनंत सौंदर्य की तरफ देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि इनके सिवा तो और कुछ है ही नहीं। आदमी हो या ऋषि मुनि हो, योगी यति हो, देवता हो, राक्षस हो, सभी सौंदर्य के ऊपर पागल हो जाते। आपने पौराणिक कथा सुनी है, जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, उस अमृत को लेने के लिए देवताओं और असुरों में झगड़ा होने लगा। भगवान विष्णु ने क्या किया, मोहिनी रूप धारण कर लिया, एक अति सुंदर नारी का रूप धारण कर लिया, और मुस्कुराते हुए कहा कि देवताओं और असुरों क्यों झगड़ रहे हो, तुम्हारी गरिमा के खिलाफ है, लाओ मैं ही बांट देता हूं, मैं बांट देती हूं। देवता और असुर दोनों कहने लगे खूब उसके सौंदर्य से पागल होकर के, हाँ हाँ आप ही कीजिए। उनका विवेक जाता रहा। कहने का तात्पर्य यह है विष्णु भगवान ने जो मोहिनी रूप धारण किया उसमें सभी देवता सभी असुर पागल हो गए, और अमृत का घड़ा जिसके लिए लड़ाइयां चल रही थी अपने आप दोनों ने ला करके दे दिया। इसी तरह से जब आप राज्य के अनंत सौंदर्य का भाव लेंगे कि राज्य का मुखारविंद या नख से सिख तक की ऐसी शोभा है, तो परिणाम क्या होगा, आपका हृदय अनायास ही राज्य की तरफ समर्पित हो जाएगा। ऐसे ज्ञान की कितनी भी बातें बताई जाए आप सोचेंगे तो कि हाँ हमें अपना दिल राज्य को देना चाहिए, लेकिन राज्य की कृपा का अनुभव हुए बिना, राज्य की सुंदरता का अनुभव हुए बिना, मुझे लगता है कोई बिरला ही होगा जो अपना दिल राज्य को देगा। ये जरूर है मूल संबंध के कारण, हृदय की निर्मलता के कारण हम संकल्प कर लेते हैं कि हमारा सब कुछ राज्य का है, लेकिन दिल से तभी सौंपेंगे जब हम कुछ उनके सौंदर्य की झलक वाले। वही बात कही जा रही है, अंग वार डार के दीजिए, आप अपने हृदय को निछावर कर दीजिए, जैसे ललिता ने निछावर किया, कोट बेर ललिता कुर्बानी मेरे धनी जी कायम सुकारी। ललिता ने पहले कह दिया है सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, इस स्वरूप के अंदर मेरे युगल स्वरूप श्याम श्यामा विराजमान हैं और मेरी आत्मा को जगाने के लिए आए हैं। ऐसे अक्षरातीत पर एक दो बार नहीं,
करोड़ों बार मैं ललिता अपने को निछावर करती हूँ। आप जब अक्षरातीत का दीदार करना चाहते हैं तो ध्यान में इस तरह से डूब जाइए, आपको शरीर का आभास न रह जाए। हाथ ऐसे हैं तो ऐसे ही बैठे रह जाए, शरीर हिले डुले नहीं। शरीर को भुला दीजिए, परात्म का श्रृंगार लेकर के अपनी दृष्टि राज्य में लगा दीजिए। आपका चित्त संसार में फंसा हुआ है, उसको संसार से हटा दीजिए। हटाने के लिए तरीका यह है, एक या दो बार तारतम का जप कीजिए। धीरे धीरे जीभ न हिले, होठ न हिले, ऐसा लगे कि आपके दिल से वो आवाज आ रही है। कारण कि इसके पहले आपने सर्विस के बारे में सोचा है, व्यवसाय के बारे में सोचा है, घर के बारे में कुछ न कुछ मस्तिष्क में उधड़ बुन बनी रही है, उन सबको हटाने के लिए तारतम का जप कर लीजिए, ताकि भावना अध्यात्म परक हो जाए। और इसके पश्चात राज्य के नख से सिक तक पहले अंगुरी मस्तक नख चरण मस्तक लो कीजिए वर्णन, यानी नख से सिक तक राज्य की शोभा को एक बार मस्तिष्क में ला लीजिए। अब क्या करना है, यो दो स्वरूप चित्त में लीजिए, अंग बार डार के दीजिए और अपने हृदय को उनके ऊपर निछावर कर दीजिए। गलित गात सब बीजे, इसको कहते हैं गलित गात। गलित गात किसको कहते हैं, प्रेम में गल जाना। कोई व्यक्ति गलता कब है, प्रेम में। आंसू कब आते हैं, बिना के आंसू तब आते हैं जब वियोग के बाद मिलन होता है। काले पत्थर ठीक होते सोभी हुए टुक टुक, वही श्यामल जी हैं सांवलिया, जिनके ऊपर श्री मेराज ने और गोवर्धन ने हाथ उठाने का प्रयास किया था, क्योंकि उन्होंने सख्त शब्दों में सदगुरु देवचंद जी के लिए कट भाषा का इस्तेमाल किया था। अब श्यामल जी हैं, साथ में उद्धव भी हैं। गोवर्धन जी का तो देह त्याग हो चुका है, धाम गमन हो चुका है। जब देखते हैं श्यामल जी, उद्धव के अंदर तो परम धाम की आत्मा है, श्यामल जी के अंदर आत्मा नहीं है, लेकिन देख रहे हैं कि परम धाम की वाणी अवतरित हो रही है, साक्षात प्रकाश फैला हुआ है और श्री कृष्ण जी प्रकट हो जा रहे हैं, गोपियां प्रकट हो रही हैं, रास की रामते उतर रही हैं। काले पत्थर ढिग होते सोभी हुए टुक टुक। अब श्यामल जी को लगा कि ये मेरा भाई छोटा नहीं है, इस तन के अंदर तो साक्षात परमात्मा की शक्ति लीला कर रही है। कहने का तात्पर्य क्या है, अब वो गलित गात हो गए। गलित गात का एक लक्षण होता है शरीर में रोमांच हो जाना। जब हृदय में भाव गहरा हो जाए, विरह का आवेग बढ़ जाए, तो आंखों से आंसू बहने शुरू होते हैं, लेकिन मुख से आवाज नहीं आएगी। जो आवाज देकर के रोया जाए वो विरह नहीं है। विरह में आंखों से आंसू झरेंगे, पता नहीं रहेगा। आप सोने के सिंहासन पर बैठे रहेंगे, सारी पृथ्वी के एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट बने रहेंगे, आपको कोई दुख नहीं रहेगा, कोई रोग नहीं रहेगा, कोई कष्ट नहीं रहेगा, फिर भी यदि विरह की अवस्था आएगी तो आप अपने आंसुओं को रोक नहीं सकते। उसको कहते हैं गलित गात। उस समय शरीर में रोमांच हो जाना, रोमांच होने का मतलब जैसे एक सिहरन हो जाना। सिहरन भय से भी होती है और सिहरन प्रेम के आवेग के कारण भी होती है। ये आपकी चितवनी की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन किया जा रहा है कि हमारा चित्त, हमारी आत्मा की दृष्टि जो जीव के हृदय यानी चित्त मन बुद्धि अहंकार से होने वाली लीला को देख रही थी, अब वो परम धाम को देखने चली है, युगल स्वरूप को देखने चली है। तो बीच में क्या क्या होता है, क्योंकि जो हमारा चित्त संसार को देख रहा होता है उस चित्त में अब राज्य बसना शुरू हो गए हैं। पहले जीव के दिल में बसना है, उसके बाद आत्मा के दिल में बसना है, लेकिन जीव के दिल में अस्थाई वास नहीं है। आपने वाणी को पढ़ लिया है, आपके जीव के दिल ने पूरी तरह से जान लिया है राज्य का ये श्रृंगार है, श्यामा जी का ये श्रृंगार है, लेकिन आत्मा ने नहीं देखा, जीव ने नहीं देखा। जीव ने अपने ज्ञान चक्षुओं से देखा है, आत्मा जीव से मिलने वाले ज्ञान को देख तो रही है, लेकिन जब तक उसका प्रत्यक्ष अनुभव न हो जाए तब तक उसको वास्तविक आनंद नहीं मिल सकता। इसी को सिंधी में दर्शाया है, धाम धनी आपका इल्म मेरे दिल का तो पहुंचा है, मेरी आत्मा को नहीं पहुंचा। आत्मा का दिल अलग है,
अंतस्करण आत्म के जब ये रहियो समाए, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतर आए। जब आप वाणी पढ़ते हैं तो जीव के दिल में वाणी पहुंचती है, आत्मा के दिल में नहीं। जब आप चितवनी करते हैं विरह का रस भी परिपक्व हो जाता है और आत्मा में प्रेम आता है। अब आत्मा के अंतकरण में तब शोभा बसती है। ताथे हृदय आत्म के लीजिए बीच सात स्वरूप जुगल, सूरत नदी जे टूटने फिर जाइए पलभर। आत्मा के हृदय में युगल स्वरूप की छवि को बसाने की बात कही जा रही है। अन्यथा तो वाणी पढ़कर हर सुंदर साथ जानता है, 15 साल का बच्चा भी जानता है कि राजीव श्यामा जी की सूरत कैसी है, उनकी शोभा कैसी है, लेकिन दर्शन तो नहीं हुआ। दर्शन कब होगा? चितवनी की उस अवस्था में जब इस जीव के दिल का मन चित्त बुद्धि संसार से कोई रिश्ता न रह जाए। ये दिल पहले अपने अंदर धनी की शोभा को बसाएगा, विरह के आंसू आएंगे। इसको कहते हैं गलित गात सभी गन। जीव बान बून टूक कीजे। अब स्पष्ट हो गया, जीव भान भून टूक कीजे। भान भून टूक करने का मतलब एक पत्थर का टुकड़ा है और आपने उसको हथौड़े से कूटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पत्थर का टुकड़ा किसमें बदल जाएगा? धूल में बदल जाएगा। अब किसी को कहिए कि यह धूल पत्थर है का टुकड़ा है, कोई नहीं मानेगा। क्या कहा जाएगा? धूल है। एक सर्प होता है, घर में प्रवेश करता है तो लोग उसको मारते हैं। यदि पीठ पर डंडा पड़ गया तो उसके फन को कुचलते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि इसके फन को नहीं कुचला गया तो ये सांस लेकर हवा पीकर फिर जिंदा हो जाएगा। जब तक उसकी पूंछ हिलती रहती है तब तक बेचारे उस सर्फ के फन को कुचलते ही रहते हैं। पूंछ हिलना बंद हो गई तो समझ लीजिए वो सर्फ मर गया। कहने का तात्पर्य क्या है? इसको कहते हैं भान भोन टूक कीजिए। आपका जीव है शरीर को लेकर बैठा है, मैं विद्वान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं महात्मा हूं, मैं गादीपति हूं, मैं अरबोपति हूं, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, ये कुछ नहीं। जब तक ये बातें आपके अंदर बनी रहेगी आपको राज्य का दीदार किसी भी कीमत पर मिलने वाला नहीं है। इसको कहते हैं जीव भान भोन टूक कीजिए। चितवनी में बुद्धि का कोई प्रयोग नहीं। इश्क की महफिल में प्रवेश करना है तो बुद्धि के पिटारे में सारे ज्ञान को भर दीजिए, अपनी बुद्धि अपना मस्तिष्क बाहर फेंक दीजिए, तब आप चितवनी की भूमिका में प्रवेश कर पाएंगे। जीव को भान भूम टूक कीजिए कब होगा? जब आपकी चाहत कोई मिट नहीं, कोई है ही नहीं, आप दिल से कुछ नहीं चाह रहे हैं, राज्य से इल्म भी नहीं मांग रहे हैं, शोभा नहीं मांग रहे हैं, हुक्म नहीं मांग रहे हैं। ये जीव केवल विरह में तड़प रहा है, मेरे धाम धनी मेरे सामने आ जाओ। और ये महामती जी ने 6 महीने तक लगातार किया, तभी तो हाड़ हुए सब लकड़ी सिर श्रीफल अगिन। सिर दिख रहा है कि तो नारियल है, सूखा नारियल। 6 महीनों में श्री मेहराज ने कभी तेल नहीं लगाया होगा, श्री मेहराज ने कभी श्रृंगार नहीं किया होगा, क्योंकि उनके शरीर को कोई सुध ही नहीं है। केवल एक ही आह निकल रही है, मेरा प्रीतम मुझे कब मिलेगा? रंग करो विनोद हास। अब क्या कह दिया? रंग करो विनोद हास। वाणी का एक एक शब्द अक्षरातीत के आवेश से निकला हुआ है। अब आप राज्य की तरफ अंतर्दृष्टि देखने का प्रयास कर रहे हैं, अपने जीव भाव को खत्म करके आत्मभाव में डूबने का प्रयास कर रहे हैं, तो कभी भी दुनिया की तरह मत्था टेकना मत शुरू कर दीजिए कि राज्य का चरण दिख रहा है, चरणों में मत्था टेक दिया। क्या वाणी कह रही है? रंग करो विनोद हास। विनोद करने का तात्पर्य क्या है? माधुर्यता की दृष्टि से बातें करने का भाव लेना, ताकि ये संसार का सत्ता का रूप चला जाए। लेकिन इसका दुरुपयोग बहुत होने लगा है। हमारे सुंदर साथ में कुछ ऐसे भी सुंदर साथ चितवनी सिखाने लगे हैं कि उनको कहते हैं
कि राजी हैं, हमने उनको किस किया, उन्होंने मुझे किस किया, ये चितवनी थोड़े है, ये तो एक विकृति है। ये संसार में हम किसी को चुंबन दे सकते हैं, लेकिन परम धाम में यदि आप राजी के सामने बैठे हैं, आपकी नजर जब राजी को देखेगी तो ऐसे संसारिक भावों से आप राजी को नहीं देख सकते। प्रेम दृष्टि से होता है, इसलिए सुंदर साथ को चितवनी क्या कराते समय यह ध्यान रखना होगा, करते समय वाणी क्या कह रही है। रंग करो विनोदहास, रंग का अर्थ होता है आनंद, विनोदहास का तात्पर्य है वो माधुर्यमयी प्रेम की अभिव्यक्ति, मेरे प्राणेश्वर, मेरे धाम धनी, मेरे सामने आओ। ये जो चौपाई गाई जाती है तो एक पंक्ति, एक दो पंक्तियां, मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे कब आओगे, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, कब आओगे कब आओगे, यही भाव की अभिव्यक्ति है। इसको कहते हैं विनोदहास, यानी सत्ता का भाव समाप्त हो जाए, पूज्यता का भाव समाप्त हो जाए। आप चितवनी में राज्य को पूज्य नहीं मानिए, साहब नहीं मानिए, केवल एक प्रेम का अखंड स्वरूप मानिए कि ये स्वरूप मेरे से प्रेम करता है और मेरी आत्मा जितना प्रेम करती है उससे करोड़ों गुना ये मेरे से प्रेम करने वाला है। इसको कहते हैं रंग करो विनोदहास। साचा सुख लियो प्रेम विलास, अब करें कि साचा सुख लियो प्रेम विलास, सच्चा सुख लो प्रेम के विलास का, सच्चा सुख लीजिए। जीव लेने का प्रयास करता है लेकिन प्रेम की राह पर कौन चलेगा, परमधाम की परमात्मा, जीव उस पर चल नहीं सकता। जीव का काम है केवल विरह में तड़पना। प्रेम लक्षण है आत्मा का, जीव का लक्षण है विरह, क्योंकि बेचारे जीव को कभी प्रेम का रस मिला ही नहीं। जो शब्दातीत के पार की निधि है उसको जीव आंखें बंद करके कहां से ले सकता है। आत्मा को जो प्रेम का रस मिलेगा उस रस का थोड़ा सा अंश जीव को मिल जाएगा और जीव उसी में निहाल हो जाएगा, अन्यथा हुक्म जो प्याला देव ही सो सच में पिलाए, नहीं तो परिणाम क्या होगा, यह कच्चे घड़े की तरह फूट जाएगा। प्रेम का को सहन कर पाना जीव के लिए संभव नहीं है, लेकिन आत्मा के संबंध से ही जीव विरह करेगा। विरह नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन नर, सुहागिन आत्म पीव की वतन पार के पार। लेकिन सच तो यह है कि जीव में भी विरह का स्वाभाविक लक्षण नहीं आता। आप हिमालय के योगियों को देखेंगे, परमात्मा की खोज में हिमालय की गुफाओं में जा बसे हैं, कठोर साधना कर रहे हैं, लेकिन विरह उनमें भी नहीं। हाँ, एक बार ध्यान में लगाए बैठ गए, बैठे हुए हैं, फिर उठे, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर फिर ध्यान समाधि में बैठ गए। विरह कहते किसको है, प्रेम कहते किसको है, आप इस बात को एक सिद्धांत से समझिए। सुखदेव जी कितने निर्मल हैं, उनको ये पता नहीं कि स्त्री किसको कहते हैं, पुरुष किसको कहते हैं। भगवान शिव दिन रात समाधि में लगे हैं। कबीर जी माया को ठोकर मारे बैठे हैं, लेकिन पूछा जाए क्या परम धाम का प्रेम इसके इनके पास है, नहीं। सब दरवाजे खोजे कबीरी, बैकुंठ सुनने सब देखा, आखिर जाए के प्रेम पुकारिया, तब जाए पाया अलिखा। प्रेम की पुकार की कबीर जी ने, और बेहद मंडल में बिना प्रेम के कोई जा नहीं सकता, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे कोई भी योगी यति तपस्वी, भले ही कितना निर्विकार हो, बेहद के मंडल में तो जा ही नहीं सकता। और इसलिए कबीर जी कहते हैं, नैनों की कल कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, नैनों की चिकडार के पिए को लिया रिछाए। प्रेम की भाषा वही बोलते हैं, शरीर से परे हो गए। माधुरता, अंगना भाव का तात्पर्य क्या है, माधुरता। पुरुष भाव का तात्पर्य क्या है, कठोरता। पुरुष तलवार चलाता है, नारी अपना समर्पण करती है। लेकिन बहनों में एक दोष होता है, पुरुषों में दोष क्या है, उनका हृदय कठोर होता है। बहनों में गुण क्या होता है, उनका हृदय कोमल होता है। पुरुषों में क्या होता है, धैर्य होता है, धैर्य का गुण है, लेकिन निष्ठुरता का दोष भी होता है। पुरुष समर्पण नहीं कर सकता, समर्पण नारी करती है, और समर्पण किए बिना दीदार की भूमिका तैयार नहीं होती। इसलिए वेद ने कहा है नारी भाव,
लेकिन नारी होने के साथ ही नहीं मिल सकता, इसके साथ पुरुष का धैर्य चाहिए। बहनों में जो चंचलता होती है वह चंचलता उनके किए कराए पर पानी फेर देती है। उनका समर्पण का गुण, उनकी कोमलता का गुण समाप्त हो जाता है और चंचल प्रवृत्ति के कारण वो राज्य के प्रेम में अखंड रूप से बह नहीं चल पाती। इसके विपरीत पुरुष पहले कठोर हृदय का होता है, समर्पण उसे आता नहीं क्योंकि उसने समर्पण कराया है, समर्पण किया नहीं है। लेकिन जैसे जैसे राज्य के शोभा को देखता जाता है वो समर्पण की भाषा सीखने लगता है और एक धैर्य का गुण उसको शिखर पर पहुंचा देता है। इसलिए अपनी आस्था को परिपक्व कीजिए, हमेशा धैर्य बनाए रखिए, एक दिन आपका अक्षरातीत आपके सामने अवश्य उपस्थित हो जाएगा। अब जैसे जैसे जीव विरह में तड़पेगा वैसे ही वैसे उसमें माधुर्यता आनी शुरू हो जाएगी। अब वो क्या मानने लगेगा, मैं तो परमधाम की अंगना हूं, मैं माया का खेल देखने के लिए आई हूं। जीव परमधाम से नहीं आएगा, आया है, लेकिन वो यही मान लेगा कि मैं परमधाम की अंगना हूं और मैं परमधाम से आई हूं, मुझे राज्य से मिलना है। धीरे धीरे शरीर भाव छूटता जाएगा, एक आत्मिक भाव पैदा होगा और जैसे जैसे ध्यान की गहराई बढ़ती जाएगी लगता रहेगा केवल तू ही तू है और मुझे उन पर फिदा हो जाना है। घरों सुख सदा खसम, परम धाम में तो हमेशा से ही अखंड आनंद है। लेत है मेरी परातम, जिसका रसपान मेरी परात करती आ रही है। लेकिन इस संसार में अब हमें धनी का प्रेम लेना है, धनी का अखंड सुख लेना है। परातम तो अनादिकाल से लेती आ रही है, अब आत्मा से लेना है तब तो हमारी जागनी। सुंदर साथ को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जागनी ब्रह्मांड आत्माओं की जगाने के लिए, आत्माओं की जागने के लिए है, पर आत्म की जागने के लिए नहीं है। इस समय सबकी परात्म पर फरामोशी है, चाहे इंद्रावती जी हो, चाहे श्यामा जी हो, चाहे अक्षर ब्रह्म हो, चाहे महालक्ष्मी हो, या परमधाम की कोई परमात्मा क्यों ना हो। यही बात कही जा रही है कि परात्म तो वहदत में है, आत्मा के दिल में वहदत की अनुभूति तब होनी है जब इसके दिल में धनी के चरण कमल का आभास हो जाए। जब आत्मा अपने दिल में धनी के चरण कमलों की शोभा को देख लेगी, उधर उसकी नजर मूल मिलावे में भी रहेगी, उसकी नजर मूल मिलावे में पड़ेगी, अपने ऊपर भी पड़ेगी और सब में एक रूपता रहेगी। किस तरह से, अंतर्दृष्टि राज्य को देख रही है। कल्पना कीजिए आप अपने सामने दो दर्पण रख दीजिए, आप खड़े हो जाइए, आपके चेहरे पर तिल है, आप एक दर्पण में देख रहे हैं कि मेरे चेहरे पर तिल है, दूसरे में देख रहे हैं कि इसमें भी तो मेरे चेहरे पर तिल दिखाई दे रहा है। क्या मेरा चेहरा ऐसा है, बस यही भावना है। एक दर्पण है आत्मा का दिल और एक दर्पण है परात्म का दिल। दोनों दिल में युगल स्वरूप बसे हैं, परात्म है मूल मिलावे में, आत्मा है इस जीव के दिल पर बैठी हुई। जब आप चितवनी करते हैं तो आपकी अंतर्दृष्टि मूल मिलावे में भी पहुंची रहेगी और आपको अपनी आत्मा के दिल में भी पहुंची रहेगी, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। वो मूल मिलावे में घूम रही है और वो मूल मिलावा जो परम धाम में है वो आपको अपनी आत्मा के दिल में दिखता रहेगा। राज्य के नख को देखेंगे तो आपको अपनी आत्मा का भी नख दिखाई देगा और आपको अपनी परात्म का भी नख दिखाई देगा। आप जिस कमरे में बैठे रहेंगे उस कमरे का पता नहीं रहेगा, आपको लगेगा कि मैं मूल मिलावे में बैठी हूं, और जबकि वास्तविकता क्या रहेगी, आप रहेंगे इस दुनिया में। यानी अंतस्करण आत्म के जब ये रहियो समाए तब आत्म परात्म के रहे न कुछ अंतराय। हमारी आत्मा और धनी के भी हमारी परात्म में और आत्म में किसी तरह का उस समय अंतर नहीं रह जाएगा, क्योंकि दोनों स्वरूपों में, दोनों दिलों में एक ही युगल स्वरूप की छवि बसी हुई दृष्टिगोचर हो रही होती है। पर इत सुख पायो जो मेरी आत्म है, महामती जी की आत्म कह रही है, लेकिन इस दुनिया में जो जो मेरी आत्मा ने सुख पाया है। आत्मा का सुख क्या है, खाना पीना खिन खिन लिया, प्यार अर्सरुहन पल पल मासुक देखना, यही आहार आजकल।
हमारा आहार क्या है? पल पल मासूक को देखते रहे। आत्मा के धाम हृदय में जिसने छवि बसा ली अपने प्राणेश्वर की। कई बार मैंने चर्चा में इस बात को दर्शाया है, जैसे कैमरे में एक बार फोटो की छवि आ जाती है, उसकी रील बन जाती है, उस रील से हमेशा आप सैकड़ों हजारों फोटो निकाल सकते हैं, क्योंकि कैमरे के नेत्रों ने उस फोटो को अपने में कैद कर लिया है। आपकी आत्मा जीव के दिल पर बैठकर जीव की लीला को देख रही है, संसार को देख रही है, अपने बाहरी इस मिट्टी के तन को देख रही है। इधर से नजर हटकर एक बार जब राज्य श्यामा जी को परमधाम को देख लेगी तो वो छवि हमेशा के लिए दिल में कैद हो जाएगी। जो वाणी में कहा है, उठते बैठते सुपन सुवत जागृत दम न छोड़े मासूक को जाकि असल हक निस्बत। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उठते बैठते सोते जागते आप राज श्यामा जी का भाव लेते रहिए। जब आप सो रहे होते हैं तो उस समय तो आप चितवनी कर नहीं सकते, भोजन कर रहे हैं तो आपका ध्यान भोजन पर रहेगा, पढ़ते समय आप कुछ देर के लिए ध्यान हटाकर राज्य का भाव तो ले सकते हैं, लेकिन वाणी तो कह रही है उठते बैठते सुपन सुवत जागृत दम न छोड़े मासूक को जाकि असल हक निस्बत। ब्रह्म सृष्टि एक पल के लिए भी राज्य की सुबह से अलग नहीं होती। इसका तात्पर्य क्या है? ब्रह्म सृष्टि ने जिस जीव के तन को पकड़ा है उस जीव की लीला अलग है। जीव का शरीर सोता है, उठता है, बैठता है, खाता पीता है। जब जीव के दिल में भाव आता है तो राज्य को याद कर लेता है, लेकिन जीव के ऊपर जो आत्मा है उसने अपने हृदय मंदिर में जो प्रीतम की छवि बसा ली है, जीव सो रहा है तो भी उसे कोई लेना देना नहीं। सोता कौन है? शरीर। जीव तो तब भी जागृत रहता है। आप जब सो रहे होते हैं आपकी सांस चल रही होती है, आपके हृदय की धड़कन तब भी चल रही होती है, सपना देखिए गहरी निद्रा में होइए रक्त संचार तब भी चल रहा होता है, आपका हृदय तब भी पंपिंग कर रहा होता है। कहने का तात्पर्य उस समय मन हो सकता है या तो सुसुप्ति में चला जाए, चित्त सुसुप्ति में चला जाए, लेकिन उस समय निद्रा में जब मन जागृत रहता है तो उसको कहते हैं सपना। शरीर सो रहा होता है, मन जाग रहा होता है, तो वो सपना। जब मन चित्त बुद्धि अहम तीनों सुसुप्ति अवस्था में हो जाए तो उसको कहते हैं प्रगाढ़ निद्रा। समाधि में यही प्रगाढ़ अवस्था होती है, लेकिन वो तमोगुण के कारण नहीं होती है, वो सतोगुण से परे की त्रिगुणातीत अवस्था होती है। जो अवस्था मन चित्त बुद्धि अहम की निद्रा में होती है वही ध्यान में हो जाए तो समझ लीजिए आपका काम बन गया है। यानी मन संसार को अपने अंदर न बसाए, हमारा ध्यान इधर से हटकर राज्य की तरफ लग जाए। महामती के धाम हृदय से राज्य चितवनी की बारीक बातें इन चौपाइयों के माध्यम से बता रहे हैं। चितवनी में क्या क्या घटित होता है? सो तो कहू ना काहू जनाम। इंद्रावती जी की आत्म कह रही हैं कि परम धाम में तो अनादिकाल से मेरी परात राज्य के सुख का रसपान करती आ रही है, लेकिन इस जागनी ब्रह्मांड में मेरी आत्मा ने जिस सुख को लिया है सो तो काहू न कहू जन्म। आज तक किसी भी आत्मा ने किसी भी जन्म में नहीं लिया। आत्मा का जन्म नहीं होता, जन्म किसका होता है? जीव पर। लेकिन आत्मा 1638 में श्यामा जी के साथ इस संसार में आई है, सबकी आत्मा 12,000 सखियों की। रू अल्लाह मिस्र गाजियों मुंह में उतरे तब, और तब से हमारी आत्मा ने न जाने कितने तनों को पकड़ा होगा। 1638 में श्री देवचंद जी का जन्म होता है और 1675 में श्री मिहराज का जन्म होता है। इसके बीच में इंद्रावती की आत्मा ने कोई तन धारण किया होगा, उसको छोड़ दिया होगा। आज तक हमारी आत्मा यदि जागृत नहीं हुई है तो हमारी आत्मा ने न जाने कितने तनों को पकड़ा होगा। हमारी आत्मा ने ऐसे तनों को देखा होगा जो पेड़ों की, पौधों की, नदियों की, पहाड़ों की पूजा कर रहे होंगे। हमने उन जीवों के तनों में बैठकर हमारी आत्मा ने न जाने मांस खाने का दृश्य देखा होगा, शराब पीने का दृश्य देखा होगा, हो सकता है खून खराबों का भी दृश्य देखा होगा। वही बात दर्शाई जा रही है कि जब वाणी का प्रकाश मिला और हमारी आत्मा ने अपने प्राणेश्वर को
अपने धाम हृदय में बसा लिया। जीव भान भून टूक कर दिया, जीव को पूर्णतः समाप्त कर दिया। जीव भाव कुछ नहीं, न मैं राजा हूं, न मैं योगी हूं, न मैं विद्वान हूं, न मैं मूर्ख हूं, न पापी हूं, न पुण्य आत्मा हूं। पाप और पुण्य की परिधि से परे हो गए, अच्छे और बुरे की परिधि से परे हो गए। आपको फूलों के हार पड़ रहे हैं तो कोई अहंकार नहीं, दुनिया पैरों में झुक रही है कोई अभिमान नहीं, और दुनिया पत्थर मार रही है तो भी कोई ग्लानि नहीं, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं हूं ही नहीं। जब ये विरह का रस आ जाए तब आपकी आत्मा अपने धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को पा लेती है। वही कह रहे हैं कि ऐसा करने पर मेरी आत्मा ने जो आनंद पाया है, ये आनंद कबहू न काहू जन्म, आज तक इस आत्मा को इस ब्रह्मांड में कभी भी नहीं मिला था। आप सोच सकते हैं चितवनी की महिमा ये चौपाई दर्शा रही है। आप सब कुछ कर लीजिए, लेकिन यदि चितवनी में अपनी सुरता से अंतर्दृष्टि को खोलकर धाम धनी को नहीं देखा तो आप जागने का भरोसा न कीजिए। इत बैठे धनी साथ मिल, क्या कहा है राजी, वहां भी हमारे साथ मिलकर हमारे बीच में बैठे हुए हैं और यहाँ भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। करने को किस लिए? परमधाम की आत्माओं का अटूट संबंध है अक्षरातीत के साथ। महामती जी के आत्म कह रही है कि मेरे धाम धनी, हमारे और आपके बीच में न जुदाई की थी, न है और न कभी हो सकेगी। जैसे आप सभी सुंदर साथ यहाँ बैठे हैं, हमारे और आपके बीच में एक पर्दा कर दिया जाए तो दोनों में से कोई किसी को देख नहीं सकेगा। कदाचित दोनों लंबे समय तक मौन व्रत लेकर के बैठे रहें, बातचीत न होने का मतलब ये नहीं होता कि हमारे बीच में दूरी है। दूरी न होते हुए भी दूरी इसलिए बनी हुई है क्योंकि एक पर्दा आ गया है, वो पर्दा है माया का। हमारी आत्मा जीव के शरीर को पकड़कर जीव के शरीर और संसार को देखने लगी है, वो राज्य को देखना भूल गई है। इधर से नजर हटा दीजिए, उधर कर दीजिए तो आपकी आत्मा के अंदर ही युगल स्वरूप सहित सारा परम धाम नजर आने लगेगा। वही बात यहाँ दर्शाई जा रही है। हंसी करने को दिखाया खेल, और ये खेल क्यों दिखाया गया है? हंसी करने के लिए। राजी हंस रहे हैं कि परम धाम की वहदत में ये परम धाम की आत्माएं मुझसे रद्द कर बैठी कि राजी 100 बार देखो आजमाए के तो भी न भूले हम। लेकिन आज वो भाव नहीं रह गया है, वो प्रेम हमारे पास नहीं है। हमारे पास एक संसार है जिसमें जीने के लिए हमें सम्मान चाहिए, भोजन वस्त्र चाहिए, धन संपदा चाहिए, समाज में प्रतिष्ठा चाहिए। इसको पाने के लिए हम शरीर की बहुत अधिक ऊर्जा लगा देते हैं, लेकिन परम धाम की परात्म की नज़र से जब हम देखते हैं तो सब क्या लगता है? सब सपना लगता है। एक परमहंस है, कमरे में लंगोटी है, पैदल चलता है, कोई असर नहीं। 56 प्रकार के भोग नहीं मिलते हैं, सत्तू मिल गया तो अभी खा लिया, बाजरे की रोटी मिल गई तो भी खा लिया, मिष्ठान मिल गया तो भी खा लिया। कहीं जाता है लोग पत्थर मारने लगते हैं, किसी को कुछ नहीं कहता है, और कहीं जाता है लोग साष्टांग दंडवत करने लगते हैं तो भी खुश नहीं होता कि दुनिया मेरे चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रही है। दिशाएं जिसके वस्त्र हैं, क्षमा माता है, शांति पत्नी है, दया बहन है, संयम जिसका भाई है, धैर्य पिता है। दिशाएं जिसके वस्त्र हैं, हाथों का सिरहाना ही जिसका तकिया है, ऐसे व्यक्ति को संसार में किसी का भय नहीं होता, वो अभय पद पर विराजमान होता है क्योंकि उसके धाम हृदय में उसका प्रीतम बसा होता है। उसके पास संसार का कोई वैभव नहीं होता, लेकिन वो करोड़ों चक्रवर्ती सम्राट से भी ज्यादा सुखी होता है क्योंकि उसको संसार चाहिए ही नहीं। दुख तो तब होता है जैसे एक पक्षी की चोंच में मांस का टुकड़ा हो तो दूसरे मांसाहारी पक्षी उसकी तरफ लपकते हैं कि इस मांस के टुकड़े को छीन लिया जाए, और दोनों में लड़ाई हो जाती है। संसार ऐसे ही है, तृष्णाओं के पीछे संसार के सारे प्राणी भाग रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास अधिक से अधिक सुख संपदा हो और मैं सुख का उपभोग करूं। इसके लिए मानव जाति एक दूसरे जाति पर आक्रमण करती है।
एक जगह के मनुष्य दूसरे मनुष्यों का गला काटते हैं, खून की नदियां बहाई जाती है, युद्ध क्यों होता है? मानव मानव के खून का प्यासा क्यों होता है? मानव तन तो इसलिए मिला है क्योंकि उसके हृदय मंदिर में परमात्मा का साक्षात्कार होगा। गायों ने, भेड़ों ने, बकरियों ने कब परमात्मा का साक्षात्कार किया है? ये तो मानव योनि है जिसके लिए कहा जाता है कि रे मानव, तुझे ये अनमोल तन मिला है केवल प्रियतम परब्रह्म को पाने के लिए। तू अपनी उम्र के अनमोल समय को व्यर्थ की चीजों में न गवा। यदि तू एक एक पल का उपयोग करता जाएगा तो सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान प्रियतम परब्रह्म तेरे धाम हृदय में बैठ जाएगा। लेकिन यदि तूने समय की अवहेलना की तो समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। ये याद रखिए, सूरज अपने समय पर उगेगा, समय पर डूब जाएगा। वो हमारी प्रतीक्षा नहीं करेगा कि अमुक व्यक्ति सो रहा है तो मैं उगू नहीं, वो तो उगेगा। प्रकृति के क्रियाकलाप चलते रहते हैं। ये हमारा उत्तरदायित्व होता है कि हम समय की कदर करना सीखें और समय के साथ ताल मिलाते हुए अपने जीवन के समय को प्रीतम के प्रेम में निछावर कर दें। वही बात यहाँ दर्शाई जा रही है। आगे 12 सहस्त्र बैठियां हिलमिले, आगू 12 सहस्त्र बैठियां हिलमिल। राजी मूल मिलावे में सिंहासन पर बैठे हुए, उनके सामने 12,000 सखियां बैठी हुई हैं। सुंदर साथ में एक विवाद का विषय चलता है कि मूल मिलावे में सिंहासन बीच में है कि 5 नीलवी थम्ब लगते झलकत नूर रोशन, ऐसा है। सागर ग्रंथ की टीका में इस पर काफी प्रकाश डाला गया है, उसको आप गहराई से देखेंगे। सिंहासन तो बीच में ही है लेकिन पूर्व दिशा से देखने पर ऐसा लगता है कि वो पश्चिम दिशा के 2 थम्बों से लगता हुआ है। सिंगार में एक चौपाई आती है, जैसे स्वरूप प्रभुन के चरणों लगे गिरद्वाए, तो पुतलिया मोतिन की रही कदमों लपटाए। राज्य के चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी और करला की शोभा है। कांबी में जो मोतरियों की पुतलियां आई हैं, उनकी एड़ी के चारों तरफ जिस तरह से घूम कर आई है, उसी तरह से राजी श्यामा जी सिंहासन पर बीच में बैठे हैं और उनको घेर करके चारों तरफ सखियां हैं। लेकिन सिंहासन के पीछे के दोनों पाए पश्चिम दिशा के 5 और नीलवी के थंब से लगते हुए दिखाई देते हैं। ये एक आधार है, भावनात्मक अभिव्यक्ति है। जैसे अभी मैं मंच पर बैठा हूँ, मैं अपनी उंगली को ऐसे कर दूँ तो मेरी दोनों उंगलियाँ दोनों थंबों से सटी हुई दिखाई देती हैं, जबकि मेरे और थंबों के बीच में कई मीटर की दूरी है। वही भावना हमें महामती जी के वृत्त के को लेनी चाहिए। अब इस परिक्रमा ग्रंथ की चौपाई में कहा गया है, आगू 12 सहस्त्र बैठियां। परमधाम में किसी की पीठ नहीं है, परमधाम का अंग अंग चेतन है। हमारे कान सुनते हैं, कान बोलते हैं, आंखें सुनती हैं, आंखें बोलती हैं, एक एक इंद्रिय गुण पांचों। त्वचा में स्पर्श का गुण है, त्वचा में भोजन ग्रहण का गुण है, त्वचा में सुनने का गुण है, और इसका कुछ कुछ लक्षण इस दुनिया में भी मिलता है। सर्प के कान नहीं होते लेकिन सुनता तो है। जब हम माता के गर्भ में होते हैं हमारा मुख तो बंद होता है लेकिन आहार तो हमारी त्वचा ही ग्रहण कर लेती है। कई ऐसे प्राणी होते हैं जो अपनी त्वचा से आहार ग्रहण कर सकते हैं। कानों से सुना जाता है लेकिन कई ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें कान होते ही नहीं, वो सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, कई सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जिनमें पांचों इंद्रियां बाह्य रूप से नहीं होती, अंत में अवश्य होती हैं सूक्ष्म शरीर के रूप में, लेकिन सारा कार्य होता रहता है। पेड़ पौधों के कान नहीं होते, पेड़ पौधों की आंखें नहीं होती, लेकिन उनकी त्वचा ही सारा कार्य करती है। एक बार इंग्लैंड में एक घटना घटी, कुछ चोरों ने एक पेड़ के नीचे खड़े होकर मीटिंग की कि कैसे चोरी करना है। वो गए, चोरी किए और अपने घर चले गए। जो खोज करने वाले थे उन्होंने यंत्र लिया हुआ था और उन्होंने उस पेड़ के नीचे यंत्र को लगा करके पता कर लिया कि किसने किसने क्या क्या बातें की हैं, और वो चोर पकड़े गए। 2 पौधे होते हैं, एक कलश पादप होता है, इसको एक कहते हैं यूट्रिकुलोरिया। ये दोनों पौधे ऐसे हैं, जब उनके नीचे से कोई
या उनके पास से कोई कीड़ा आएगा तो उसका मुख बंद हो जाएगा। अफ्रीका में ऐसे भयानक पौधे होते हैं, उनके नीचे से कोई जानवर गुजरेगा, कोई इंसान गुजरेगा तो उनकी डालें उसको पकड़ लेती हैं और उनका खून चूस करके छोड़ देती हैं। आखिर डालियों में आंख तो नहीं होती, लेकिन डालियों की जो त्वचा है वो देख रही है कि मेरा शिकार जा रहा है। दूर की बात छोड़िए, लाजवंती पौधा तो आपने देखा होगा, उसको हाथ से छूइए, कैसे उसको पता चल जाता है कि कोई हमें छूने आ रहा है। हर पौधे को पता होता है उसको काटने के लिए कोई तैयार हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है आपके कि आप खेती करना बंद कर दीजिए, कि राजन स्वामी ने कहा है कि इसमें तो हत्या लगती है। उसमें हत्या नहीं लगती है क्योंकि उसमें सुसुप्ति अवस्था होती है, नहीं तो सारे भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। आजकल तो विचारधारा चली है कि गाय के दूध में भी खून होता है, इसलिए दूध नहीं पीना चाहिए। ये महात्मा गांधी जी की विचारधारा है। खून से दूध नहीं बनता है। जो गायें 20 लीटर दूध देती हैं, 30 लीटर दूध देती हैं, उनके शरीर में 30 लीटर दूध नहीं होता, लेकिन प्रतिदिन 30 लीटर कहाँ से दूध आ जाता है। वास्तविकता ये है कि गाय जो भोजन करती है उसका रस पानी के साथ मिलकर दूध बनाता है। खून से कभी भी दूध नहीं बन सकता। खून से दूध यदि बनेगा तो तामसिक हो जाएगा, जबकि दूध शाकाहारी सात्विक होता है। इसलिए परमधाम स्वलीला अद्वैत है। परमधाम को देखने के लिए, युगल स्वरूप को देखने के लिए हमें अपने मन मंदिर को कोमल बनाना पड़ेगा, सात्विकता से पूर्ण बनाना पड़ेगा। अपने आहार को हम जितना सात्विक बनाएंगे, तीखी तीखी लाल मिर्चें छोड़ेंगे, चाय कॉफी के प्याले कम करेंगे, छोड़ दीजिए तो बहुत अच्छा, और अनावश्यक तेल का प्रयोग कम न कीजिए, क्योंकि ज़्यादा तेल का प्रयोग करेंगे आपका मन चंचल अवश्य रहेगा। रजोगुणी और तमोगुणी भोजन आपको ध्यान में सबसे बड़ी बाधा करेगा। आप शांति से न शरीर को बैठा सकते हैं, न अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। जितना सात्विकता आएगी आपके अंदर, आपका मन ध्यान में उतना ही गहराता जाएगा और आपको ऐसा लगेगा सारा परम धाम मेरी आत्मा के दिल में बसता है, और उसका रस जब थोड़े अंशों में जीव को मिलेगा तो जीव भी वर्णन करना शुरू कर देगा कि मैंने परम धाम देखा है। आत्मा जिस आनंद का रसपान करेगी उसका सौवा हिस्सा भी जीव यदि अनुभव कर ले तो खुशी के मारे पागल हो जाएगा, वह अपने पांव जमीन पर रख नहीं पाएगा। पांव जमीन पर न रखने का मतलब, आप देखते हैं जब क्रिकेट मैच होते हैं, जब खिलाड़ी जीतते हैं तो क्या करते हैं, वो कूदने लगते हैं। उनको कहा जाए कि शांत खड़े रहो, नहीं रह सकते। जो दर्शक होते हैं वो भी कूदने लगते हैं। कहने का तात्पर्य क्या, उनके अंदर इतनी खुशी होती है कि उनको शांत होकर बैठना संभव नहीं। हमारी आत्मा आनंद के आनंद सागर में क्रीड़ा करती है, उसका थोड़ा संस जीव भाव को प्राप्त हो पाता है और उसी में 24 घंटा ऐसी मस्ती छाई रहती है 24 घंटे कि उसको नानक देव जी कहते हैं, नाम खुमारी नानका चढ़े रहे दिन रहे। 24 घंटे वो मस्ती चढ़ी रहती है, और यही शराब है। साकी पिलावे शराब, रूहे प्याले लीजिए, हक इश्क का आप भर भर प्याले पीजिए। पिलाने वाला कौन है, स्वयं अच्छा। इश्क सुराही ले हाथ में, पिलाओ अपने हाथ, अपनी अंगना जो अर्श की, तय दीजो अपनो दाम। महामती जी की आत्म कह रही है कि मेरे धाम धनी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपका हृदय प्रेम की सुराही है और मेरा हृदय प्रेम का प्याला है। आपके हृदय में प्रेम अनंत रूप से उमड़ रहा है, उसको मेरे हृदय में उड़ेल दो। मेरी आत्मा उस प्रेम के प्याले को पीने के लिए तड़प रही है, और इसका आधार है चितवनी। जैसे जैसे आप चितवनी करते जाएंगे आपके हृदय में प्रेम का रस समाता जाएगा, और वो प्रेम की एक एक बूंद आपके जीवन में अनंत आनंद का संचार करेगी। उस समय आप कभी भी दुखी नहीं हो सकते हैं। दुखी आप तभी होते हैं जब आप चितवनी से दूर होते हैं। राज जी ने आपको सुख का साधन दे दिया है, इसलिए तो पहले ही कह दिया, सो तो काहू न कभो जन्म, यानी किसी भी तन को आत्मा ने धारण किया होगा, लेकिन जो चितवनी का आनंद है उसके समान कोई भी आनंद नहीं। जिस तरह से मूल मिलावे में राज जी सबके बीच में बैठे हैं, भले ही कोई आत्मा गुजरात में हो, कोई पंजाब में हो, कोई यूपी में हो, कोई नेपाली तन में हो, कोई पंजाबी तन में हो,
लेकिन राज्य की नजर सब पर बनी हुई है। ये न सोचिए कि राज्य ने हमको भुला दिया है। हम राज्य को वाणी पढ़ने के बाद भी भुला सकते हैं, राज्य एक पल भी नहीं भुला सकते हैं। आपके संगे संबंधी आपका साथ छोड़ जाते हैं तो घबराइए नहीं। जिस अक्षरातीत ने आपका हाथ पकड़ा है वो कभी भी आपको छोड़ने वाला नहीं है। वो पल पल आपसे प्रेम करेगा। उसके प्रेम को पहचानेंगे तो ये माया अपने आप ही छूट जाएगी। आप निराशा की घड़ियों में कभी नहीं रहेंगे। आप निराश इसलिए होते हैं क्योंकि सोचते हैं कि मेरा कौन है। आप मेरा कौन है भुला दीजिए। आप ये याद रखिए, मेरा तो धनी है। उससे अधिक प्रेम करने वाला कौन है? उससे अधिक आनंद देने वाला कौन है? और रात्रि के अंधेरे में जब संसार सो जाए, आप अपना आसन जमा लीजिए। किसी को बताने की जरूरत नहीं, लाउड स्पीकर लगाने की जरूरत नहीं है। आजकल तो क्या होता है, चित्रकूट में मैं बचपन में गया था कि चलो वहां तो जंगल है, एकांत में साधना करेंगे। जब मैं चित्रकूट पहुंचा तो 4 बजे ही बैसों लोग अपने मंदिर में लाउड स्पीकर से भजन शुरू कर देते थे। इतना शोर होता था कि मैं सोचता कि जंगल में मैं 2 किलोमीटर पर भी रहूं तो यहाँ तो बिल्कुल ही बेकार है। जहाँ इतने घंटी घड़ियाल बज रहे हों, लाउड स्पीकर का शोर चल रहा हो, गली गली में वहाँ मंदिर है, अयोध्या में, वृंदावन में गली गली में मंदिर है, काशी में गली गली में मंदिर है, आप कुछ नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य क्या है? सोमन तो सबसे भला, जो जग जाने सोए, अंतर लव लागी रहे, सहजे सुमरन हो। इसका अर्थ आप ये ना लगा लीजिए कि आप कह दीजिए कि हम तो लेटे लेटे चितवनी करते हैं। लेटे लेटे चितवनी नहीं हो सकती। इसका भाव ये है कि आप अपनी चितवनी को गुप्त रखिए, मंच पर प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसको ये बात ध्यान में रखिए कि जो आपको आनंद मिल रहा है वो आपका अखंड धन है। उसकी गरिमा को समझिए। रात्रि के अंधेरे में आप अपने प्राणेश्वर को रिझाइए। प्रातःकाल उठकर अपने ध्यान में, उनके ध्यान में अपने को डुबो दीजिए और संसार को भुला दीजिए। इसी में आपका अखंड सुख छिपा हुआ है। जानो एक ही अंग हुआ भील। वे इस तरह से बैठी हुई हैं, लगता है कि कोई 2 अंग नहीं है, एक ही अंग है। अब यदि वाणी की इस चौपाई को लें तो ये 3 हारों की बात और 4 रास्तों की बात यहाँ मान्य नहीं हो सकती। ऐसा लगता है कि एक अंग है, सखियां हैं 12,000, लेकिन 12,000 सखियों के शरीर आपस में सटे हुए हैं। उनके बीच में, जैसा चर्चनी में पढ़ाया जाता है और यहाँ वाणी से विरोध हो जाता है, यदि बीच में 4 रास्तों का स्थान मानेंगे और हारे मानेंगे तो उनके बीच में तो दौड़ लगाई जा सकती है। वाणी कहती है, गले बात सब लेके मिल बैठेंगे एक अंग हो। यहाँ चौपाई कह रही है कि जानो एक ही अंग हुआ भिल, यानी एक ही अंग है। 12,000 कहने के लिए है, लगता है कि केवल एक सखी बैठी है। या को क्यों कहूं स्वरूप सिंगार है। इन सखियों के स्वरूप और सिंगार को मैं किन शब्दों में बयान करूं? इनका स्वरूप कितना सुंदर है इसके लिए कोई भी बुद्धि सक्षम नहीं है। जाने आत्म देखन हार। इसको कौन जानेगा? जो आत्मा होगी, जो देखने वाली होगी। इसलिए सबको अधिकार है, चाहे बच्चा है, चाहे युवा है, कोई वृद्ध है, स्त्री है, पुरुष है, कोई बंधन नहीं है। कोई महात्मा हो या न हो, गृहस्थ और विरक्त का कोई बंधन नहीं है। एक बंधन है, शर्त एक है, केवल प्रेम और समर्पण चाहिए। आप समर्पण और प्रेम की पूंजी लाइए, जिस क्षण चाहिए आपको दीदार होगा। लेकिन यदि समर्पण और प्रेम में कमी होगी तो बाधा खड़ी हो जाएगी। आप अपने दिल में लबालब प्रेम लाइए, अपना हृदय राज्य को दे दीजिए, फिर देखिए वो रिझते क्यों नहीं है। वो अवश्य रिझेंगे। उनका हृदय तो करोड़ों भक्तों के हृदय से ज्यादा कोमल है। वो दीदार देने को बेताब है, हम दीदार करने के लिए उतने बेताब नहीं है। एता मता जिन दिया, तिन दिखावत आपके तीवे, पर राखत दो के दरम्यान ना तो क्यों रहे एतन। जिस अक्षरातीत ने हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए 18,758 चौपाइयों को दिया है, वो अक्षरातीत अपना दीदार करने में देरी क्यों कर सकते हैं? वो तो हमारे अंदर आकर के बैठ गए हैं। हमारे प्रेम की परीक्षा चल रही है कि संसार को पीठ देकर
हम राज्य का दीदार करते हैं या नहीं करते हैं। आगे 12,000 बेटियां हिल मिले, आगे 12,000 बेटियां हिल मिले, जानो एक अंग हुआ मिले, जानो एक अंग हुआ मिले, या को क्यों कहूँ स्वरूप श्रृंगार, या को क्यों कहूँ स्वरूप श्रृंगार, जाने आत्मा देखन हारे, जाने आत्मा देखन हारे, जाने आत्मा देखन हारे, गो श्री प्राणनाथ जय। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।